तहसीलदार और पटवारी नहीं माप रहे हैं जमीन, लोग हो रहे हैं परेशान। गांव का नाम शोयला, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़, जहां पर जगदीश चंद पुत्र बालाराम जी शर्मा जाति ब्राह्मण, जो कि गांव के निवासी शोयला के हैं। इनकी भूमि सर्वे नंबर 145 और पुराना खाता संख्या 149 है। इनकी टोटल जमीन 14 बीघा 900 आहे है। यह जमीन जगदीश कैलाश चंद्र प्रकाश फूलबाई बाबूलाल किशनलाल मोहनलाल दुआलाल जी के नाम स्थित है। यह लोग परेशान हो चुके हैं और इनकी भूमि पटवारी महोदय और तहसीलदार द्वारा रोज आनाकानी कर रही हैं, जमीन नहीं माप रहे हैं। यह लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि आए दिन यहाँ पर झगड़े होते रहते हैं। 2-3 साल गुजर चुके हैं लेकिन भूमि की मापन नहीं किया जा रहा है। जिनके पास इनकी भूमि निकल रही है वह लोग जमीन नहीं छोड़ रही हैं। इनके नाम रामलाल जी, दुर्गालाल, मांगीलाल, गोपाल, रतिराम, इनके पास इनकी भूमि निकल रही है जो इन्होंने दबा रखी है। पटवारी महोदय रोज आजकल कर रही हैं, इनकी भूमि नहीं माप रहे हैं। तहसील महोदय के पास भी इन्होंने अभी से 2-3 साल में रोज कागज़ पर कागज़ दे देते हैं कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। बहुत परेशान हो चुके हैं मगर इनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। हमारा चैनल वही दिखाता है जो सच है। वंदे भारत से तूफान सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वंदे भारत से तूफान सिंह राजपूत की रिपोर्ट। गांव सोयला, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़, यहां पर मैं आया हूं। इनकी खुद की एक सर्वे नंबर 145 जमीन है जहां पर तहसीलदार महोदय और पटवारी महोदय रोज आजकल कर रहे हैं और बोनी का सीजन आ चुका है और ये लोग बहुत ही परेशान हैं। इन्होंने इतने कागज वहाँ पर तहसीलदार महोदय को दे चुके हैं जिसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब जानते हैं इनसे खुद से। क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी, कहाँ से हो आप? गांव सोयला से। सोयला से क्या बोल रहे हैं तहसीलदार महोदय? वो बता रहे हैं कि पटवारी जी आएगा और वो देख के और जो भी होगा जो बता देगा। तो पटवारी जी आया 10-11-12 तारीख ने जी, और उन्होंने देख के की कि यहाँ तो तुम्हारी तो जमीन ज्यादा दब रही है। अच्छा। कि मैं आज ही रिपोर्ट बना के दे दूंगा तुम्हें। अच्छा। तो उस पे कार्रवाई कब तक हो रही है? तो वह 10-11 तारीख की बात है, आज तक तो उन्होंने दरगाह रिपोर्ट ही लिख के नहीं दिमाया आज तक। कितने साल से आप परेशान हो रहे? 3-4 साल से। 3-4 साल से तहसीलदार साहब के अर्जी के ऊपर अर्जी लगा रहे। अच्छा। जिसके बाद भी आपके कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर बजी ऐसे ही हो गए, फाणी पड़ जावे, मैं भी खेती बाड़ी में लाग जावा, भी उन्हों को काम लाग जावे। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? नपवाना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं हम? अच्छा, आप बोलो। हमारी जमीन है जो? हाँ, यही जमीन तहसीलदार जी और पटवार जी सुन ही नहीं रहा हमारी। अच्छा। और हम जावे और 2 दिन आएंगे, 2-3 दिन आएंगे, देखेंगे। और पटवार जी ये बोले, पटवार जी सुन ही नहीं रहा हमारी बात। अच्छा अच्छा, कितनी बार आप चले चुके हैं तहसील में? तहसील में कम से कम 3 साल के जा रहे हैं हम। 3 साल से जा रहे हैं। हाँ। और आसपास में किस किस की जमीन है? आसपास एक तो रतिराम मेघवाल की है, गोपाल मेघवाल की है, मांगीलाल जी की है, कारूलाल जी की है। अच्छा अच्छा। बाबू की है? बाबू की है। रामदयाल जी की है। मतलब आसपास बहुत सारी जमीन लग रही है उसके पास। 7-8 लोगों की जमीन है। किस किस से बात करा कि वो कहे मेरे में ना पाएंगे? वो भी कहे मैं ना पाएंगे जब छोड़ेंगे, जैसे बता दें। माने नपवाली जमीन निकली तो उन्होंने आसपास का सबने की कि अबके में अड़ी साल अबके में नपवा लेंगे तुम्हारी, जो होगा जो छोड़ दांगा। अच्छा। तो आज तक भी उन्होंने नपाई नहीं। आज तक भी नहीं नपाई उन्होंने। 2-3 साल तो कोरोना का खट गया, 3 साल लगातार मैं एप्लीकेशन देता तहसील में। आपकी एप्लीकेशन देखी मैंने, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन बार बार। 3 साल हो गया। 3 साल का परेशान हो रहे हैं। खेती बाड़ी को सीजन आ कमाई की टेम को नटिया ना के फाचे फाचे दौड़ा तो भी माँ को फुरो नहीं हो गए। अच्छा, आए दिन यहाँ पे झगड़े पे झगड़े होने वाले संभावना है ना? तो दबाते ही जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राधी भाई। इस जमीन में आपका भी नाम है? कब से हो रहे हो परेशान आप? 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गए। आप गए थे तहसील में? हाँ, गीती नहीं गए थे तहसील। हाँ। क्या बोला? यही खेवे के आ जाओ ना, नाप ला ना, फिर नहीं आवे तो नाप बिन दे अड़ोसी पड़ोसी। अच्छा अच्छा, आसपास के नापने बिन देते। हाँ, नहीं नापते नहीं, वो क्यों आवे तो कोई देवी नहीं।
फिर ने बताया गुरु बाबू पटवारी जी ने क्या बोला था आपको? यही बोली थी कि दुनिया भाई हां की टीम आवे जे तो ना पिया बिना पी को नहीं एकलो तो ना पी सके। अच्छा अच्छा पूरी टीम आएगी तब। हां तो फिर कणा कदे उन कणा कदे ना पी लो मांग तो भी 4-5 साल हो गया मोली। अच्छा अच्छा आपने इनसे मोल खरीदी? हां अच्छा अच्छा तो मांगे तो मांगी है जन आपके दे तो मांग कहीं और मतलब है। हां ये बात भी सही। पड़ोसी पड़ोसी तो होड़ी नहीं हट पते गांव का खेत मरा से लगा। अच्छा अच्छा तो मांगी जो खड़े जो खाड़ के नाप के दे दो। ठीक है तो तहसीलदार जी सुनी नहीं रहे कोई तो नहीं हो रहा कतरा साल हो गया तहसीलदार जावे भी जावे आ जावे ये जावे आ जावन सब जा जाना जावन खेत देन पाछे कहीं कोई नहीं। अच्छा अच्छा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही कहां हो रही तो फिर। वंदे भारत से तूफान सिंह राजपूत की रिपोर्ट। 145 जो ये अभी तक परेशान हो रहे हैं 2-3 साल तक इनकी जमीन अभी तक मपी नहीं है और आए दिन झगड़े पे झगड़े हो रहे हैं। इनका बस इतना सा कहना है कि तहसीलदार महोदय एक ये दे और जमीन मापने की कष्ट करें। वंदे भारत से तूफान सिंह राजपूत की रिपोर्ट।